ऐसे बैठे रहते हैं, सबका आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वृंदावन वृंदावन नहीं, वृंदावन के बाहर हाथ जोड़ करके तपस्या कर रहे हैं। उद्धव जैसे व्यक्ति यहाँ के गुल्म लता और यहाँ पर औसत वृक्ष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इतने दुर्लभ ये ब्रज धाम, इसलिए कहते हैं ना किरत सुता के पद पद में प्रयाग जहाँ के सब के कई कुंज कोटी कोटि काशी है, मतलब गोपिनी की द्वार पहले बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, मतलब स्वर्ग अपवर्ग हम ले कर करेंगे क्या, जानते नहीं क्या हम श्री श्री वृंदावन वासी है। इसलिए आज हम लोग का बड़ा सौभाग्य का दिन जो कि आप लोग अध्यक्ष में वृंदावन में आए, और कहाँ पर बैठे हो, साधारण जगह नहीं, जहाँ पर स्वयं परम ब्रह्म कृष्ण भी जिस सेवा कुंज में राधा रानी जब मान कर लेती है, स्वयं बांके बिहारी भी जिस कुंज में प्रवेश करने के लिए गिर जाते हैं, उनकी सखी के चरण में प्रार्थना करते हैं हमें थोड़ी कृपा करो, थोड़ी सी राधा रानी से हमारी मुलाकात हो। इतने जिस धाम पर आप बैठे हो, कहते बैठ पैर तो राधिका पायर, विश्व ब्रह्मांड जिस बांके बिहारी की चरण की सेवा करते हैं, आज यहीं पर श्री बांके बिहारी श्री राधा रानी की चरण की सेवा के पर यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हो, इसलिए बड़े भाग्य से हैं, बड़े भाग्य से करोड़ों करोड़ जन्म का सौभाग्य से सुकृति से और साधु गुरु संतों की कृपा से हम लोग आज श्री वृंदावन धाम आए हो। और ये आज तिथि कौन सा है, ये अक्षय तिथि है, हैं? इसलिए आज का दिन ही भगवान ने ये सृष्टि की प्रारंभ आज का दिन किया है। जितने लता पता पेड़ पौधा गुलम, जितने पशु पक्षी, जितने गेहूं जौ सरिस दाल जो कुछ देख रहे हो, आज का दिन भगवान ने ये सारे चीज को आज का दिन ठाकुर जी सृष्टि की। इसलिए आप लोग हर मंदिर में आज हमारे जितने कृष्णा राम जितने मंदिर में देखना, हर मंदिर में कुंजा में पानी भर कर कलश में देते हैं ठाकुर जी को, कोई सत्तू देते हैं, फल देते हैं, पंखा देते हैं, चीनी देते हैं, हर मंदिर में। बोले क्यों, बोले ठाकुर जी आप कृपा करके कैसे हम संसार में जीवित रहे बच्चे, इसलिए आप हम लोग के लिए अपने ये सब सृष्टि अपने हम लोग के लिए किया है, आपने दिया सब कुछ है, इसलिए हम संसार में जीवित है। इसलिए हर मंदिर में आज सभी कुछ ना कुछ हर मंदिर में दान पुण्य करते हैं। इसलिए शाम को भी यहाँ पर ठाकुर जी को फूल बंगला बनेगा, ठाकुर जी की सारे शरीर चंदन से श्रृंगार मिलेगा। इसलिए आप लोग भी शाम को हम भी छापा नफो करेंगे, इसलिए आप लोग भी कुछ ना कुछ मार्केट से फल हो, कोई मिठाई हो, कुछ हो, कोई नमकीन हो, आप कोशिश करना कुछ ला करके छापा अपना भोग में लगाने के लिए, क्योंकि आज जो कुछ करेंगे उसका फल अक्षय रहेगा, उसका फल अक्षय। जैसे कोई शादी हो, गृह प्रवेश हो, कोई बढ़िया काम हो ना, हमें कोई तिथि देखने का जरूरत है, लेकिन आज ये ऐसे एक तिथि है, आंख बंद करके भी अपने कोई काम शुरू कर दिया ना, उसका फल अक्षय फल होगा। आज का दिन कुछ भी तिथि देखने का कोई जरूरत नहीं, इसलिए देखना आज ज्यादा करके शादी आज है, शादी गृह प्रवेश कोई दुकान मकान फैक्ट्री खोलता है आज का दिन, क्यों जो कुछ आज करोगे उसका फल अक्षय होगा। इसलिए हमारे श्री लव भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज भी ये जो संस्था है उनने कब इस संस्था को स्थापन किया, आज, बोले क्यों, बोले जिस दिन ये संस्था स्थापन होना दिन प्रतिदिन दिन में दो गुना रात चौगुना ही बढ़ते रहे, ये कभी घटेगी नहीं। इसलिए हमारे श्री गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, इसलिए हमारे सनातन धर्म को न केवल भारत में संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने हमारी सनातन वाणी को उन्होंने सर्वत्र प्रचार और उन्होंने प्रसार किया है। बोले श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जयकार, ठीक से नहीं थी आज एक अगर एक बार जयकार करो ना 100 जयकार करने का फल, और किसी साधु की कृपा से
जिनकी कृपा से आप थोड़ी बहुत अभी भक्ति में आने के लिए कोशिश किए हो, ये महापुरुषों की कृपा से। ब्रजिल भक्ति में दादा नारायण गोस्वामी जी महाराज की जय। अभी लग रहा है जैसा भी सही हुआ, इसलिए इसलिए आज का जो तिथि है ना, आज भी बद्रीनाथ में आज भी उनका द्वार उद्घाटन आज है। केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनत्री आज का दिन हजार हजार लोग गए होंगे, कहा बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनत्री आज का दिन वहां द्वार उद्घाटन होगा। और आज का दिन ठाकुर जी की दर्शन भी आज का दिन दर्शन मिलेगा। और आज का दिन से थोड़ा गर्मी थोड़ी सी ज्यादा पड़ता है, इसलिए श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी को वहां पर बड़ी सुंदर एक सरोवर है जिसका नाम चंदन सरोवर है। आज का दिन श्री जगन्नाथ जी का जो विजय विग्रह है, श्री कृष्ण श्री बलदेव प्रभु राधा रानी, उनको श्री जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकालते एक सुंदर सरोवर है चंदन सरोवर में, ठाकुर जी को नाव में बड़ी सुंदर नाव में बैठा करके जैसे कृष्ण यमुना में गोपियों के साथ में जल क्रीड़ा करते हैं, उसी तरह वहां पर 21 दिन तक है। यहाँ पर तो गर्मी ज्यादा दिन पड़ता है लेकिन पूरी में ज्यादा दिन नहीं पड़ती है, इसलिए ठाकुर जी को 21 दिन तक ठाकुर जी को बड़े सुंदर नाव में उनको लेकर के जल विहार करवाते हैं। और जगन्नाथ जी शरीर में आज तो हमारे मंदिर में एक दिन हम ठाकुर जी की शरीर में चंदन लगाएंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी में 21 दिन तक होनी थी। 21 दिन तक जगन्नाथ को रोज रोज लोग 26 घंटा चंदन घिसते होंगे। हमारे किसी किसी गौरी मठ में भी 21 दिन तक ठाकुर जी के शरीर में चंदन लगाते हैं, क्योंकि जो चंदन है बड़ा कोमल है, मलय जो चंदन है। अभी प्रश्न है जब भगवान स्वयं श्री माधवेंद्रपुरी गए होंगे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का गुरु जी की जो गुरु जी थे, जब माधवेंद्रपुरी ने श्री गोपाल जी को उन्होंने प्रकाश दिया कहाँ से, श्री गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन, गोवर्धन में जब श्री गोपाल जी को उन्होंने प्रकाश दिया, स्वयं ठाकुर जी स्वयं आगे से दिया, देखो माधवेंद्रपुरी बड़ी दिनों से मैं जंगल में पड़ा हुआ था, मेरे शरीर का गर्मी नहीं जा रहा, जाओ जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से मलय या चंदन लाओ और मेरे शरीर में ये मलय या चंदन को मेरे शरीर में लगाओ। तब उन्होंने भगवान के आदेश को पाकर उन्होंने वो मलय या चंदन ठाकुर जी के शरीर में उन्होंने वो चंदन लगाया, ठाकुर जी के शरीर में ये चंदन लगाया। इसलिए भगवान को चंदन चंदन ठाकुर जी को क्या गर्मी लगता है, कहता है निताई पद कमल कोटी चंद्र सुशीतल जे छाया है जगत बुराए, कर दो चंद्रमा को जो ठंडाई ठंडापन उसको भी गर्भ को खर्ब करने वाले महा भगवान की शरीर है अत्यंत कोमल है। इसलिए कभी कभी कृष्ण कहते हैं भैया राधा जी की प्रेम में क्या शक्ति है, विश्व ब्रह्मांड मेरे शरीर को स्पर्श करके कोमल अनुभूति करते हैं, लेकिन जब मैं राधा रानी के शरीर को स्पर्श करता हूँ पता नहीं राधा रानी के शरीर में क्या अद्भुतता है, जिनकी स्पर्श पा करके मेरे शरीर को भी ये कोमलता प्रदान कर देती है। इसलिए तत्वतः भगवान कैसे भक्तों को सेवा प्रदान करें, ठाकुर जी भक्तों को सेवा प्रदान करने के लिए ठाकुर जी सुंदर लीला करते हैं। जैसे ठाकुर जी जैसे हमारे मंदिर में कम से कम 20 दिन पहले से हमारे सब संत लोग चंदन घिस रहे, 20 दिन पहले ठाकुर जी की शरीर में चंदन लगेगा, ठाकुर जी के शरीर में चंदन लगेगा। इसलिए ठाकुर जी हम जैसे बद्ध जीवों को धीरे 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 सुकृति दे करके धीरे धीरे भक्ति मार्ग में कैसे हम भक्ति मार्ग में धीरे धीरे बढ़े, इसलिए ठाकुर जी कृपा करके हमें ये सेवा ठाकुर जी प्रदान करते हैं। इसलिए आज का दिन बहुत बहुत ही बढ़िया दिन, बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। आप लोगों ने बड़े बड़े दूर से रात भर सोए नहीं, कुछ कुछ भक्त लोग हैं बड़े दूर से आए हो, इसलिए ठाकुर जी सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ ठाकुर जी देख रहे हैं, कितने कष्ट किए, फिर रात भर आए, फिर सोने का भी ठीक नहीं मिला होगा, फिर सवेरे उठ करके पूरा वृंदावन परिक्रमा लगाए हैं, वृंदावन पर जमुना में कोई स्नान किया, आचमन किया, हरि कथा सुने, मदन मोहन को दर्शन की,
काली अटल को अष्टसती मंदिर भाग्य बिहारी हमारे आप लोग ने बड़ी सुकृति अर्जन किया। आज का दिन जो कुछ करके क्या होगा उसका फल अक्षय फल मिलेगा, तो कभी नष्ट नहीं होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए आप लोग सभी बड़े सौभाग्यवान जो कि श्री वृंदावन धाम में आए और राधा रानी की कुंज महल में बैठी करके यहाँ पर हरि कथा सुन रहे हो, आप लोग बड़े सौभाग्यवान। इसलिए कोशिश करना हर साल आने के लिए। कौन कौन आएगा हर साल? हाथ उठा, कोई हाथ नहीं उठा रहे, सचमुच से आने बढ़िया। इसलिए देखो जब एक बार ठाकुर के सामने हाथ उठाकर हाँ भर किया मतलब आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा हर साल, ठीक है ना। और भगवान की धाम में आओगे तो बढ़िया है, बढ़िया है। इसलिए हमारे बीच में हमारे सुंदर गोपाल प्रभु है, सुंदर गोपाल आज आओगे आप हमारे श्री सुंदर गोपाल प्रभु, ये प्रभु जी श्री जयपुर से आए, ये जयपुर में अभी वहां पर सुंदर गोपाल प्रभु जी वहां पर कोशिश कर रहे हैं एक सेंटर, प्रभु जी वहां पर एक सेंटर खोले। सुंदर गोपाल है प्रभु जी क्या हम लोग आए
इसलिए मैंने अलग अलग जगह से मैंने भक्तों को लाए। अरे प्रभु जी आज का दिन दोपहर में प्रभु जी थोड़ी सी कुछ कथा सुनाए श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछा कल्प करुणेश कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीम शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। अभी जब महाराज जी बता रहे थे कि आज अक्षय तृतीया में बहुत शादियाँ होती है, सबसे ज्यादा शादी भारत में कब होती है? आज के दिन होती है। तो कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति मिला था, उसने बोला प्रभु जी बहुत दुखी हूँ जब से शादी हुई है। मैंने कहा क्यों भाई, देख के नहीं करी थी क्या? कह रहे प्रभु जी देख के करी थी, अक्षय तृतीया वाले दिन ही करी थी। तो प्रश्न ये कि आज तो बहुत लोग शादी करते हैं, तो क्या सब लोग सुखी रहते हैं? दुखी होते हैं या नहीं होते? होते हैं या नहीं होते? और इस चीज को समझना पड़ेगा कि अक्षय हम लोग क्या सोचते हैं कि आज के दिन अगर आज लोग बहुत सोना खरीदते हैं, आज सोना का दाम बहुत ऊंचा चले जाएगा। सुबह से ही कल दो तीन दिन से ही अपने आप मैसेजेस आने लग जाते हैं बैंक वालों के कि आप सोना खरीदिए अक्षय तृतीया वाले दिन। आते हैं नहीं आते? आए भी होंगे। तो लोगों की धारणा क्या है कि आज के दिन हम सोना खरीदेंगे तो हमारा सोना बढ़ता रहेगा, शादी खरीदेंगे तो पत्नियां बढ़ती रहेगी क्या? पता नहीं कैसी कैसी लोग धारणाएं लेके बैठते हैं, लेकिन ये सारी धारणाएं जो है ये भ्रांत है। इस जगत में ऐसी कौन सी चीज है जिसका क्षय नहीं होता? रावण के तो 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती थे, सोचो कितनी पत्नियां थी, सब क्षय हो गया। सोने की लंका थी, सब क्षय हो गया। इस जगत में केवल एक ही ऐसी वस्तु है जो कभी क्षय नहीं होती, वो है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। इस जगत की जितनी भी वस्तु है उसका धर्म ही ऐसा है कि सब जो हर चीज क्षय होती है, हमारा शरीर भी क्षय होता है, पूरी पृथ्वी क्षय होती है। इसलिए आज के दिन जो भक्त लोग हैं वो स्थिति का कैसे पालन करते हैं? भक्त लोग स्थिति का पालन करते हैं कि आज के दिन हम क्या करेंगे, अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, भगवान के प्रति जो सेवा की वास्ता है उसको वर्धित करेंगे। तो आज की जो तिथि है, यदि भी आज के दिन बहुत, जैसे हम सुनते हैं कि जो परशुराम जी थे उनका आज के दिन आविर्भाव सुनने को मिलता है, अन्नपूर्णा देवी का आज के दिन आविर्भाव हुआ, कई जगहों पे बताया गंगा जी भी आज के दिन प्रकट हुई है, हमारा जो भरत महाराज जी हैं उनका भी आज के दिन आविर्भाव हुआ है, अनेक आज के दिन बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। लेकिन हम गौड़िया वैष्णवों के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? हम गौड़िया वैष्णवों के लिए सबसे श्रेष्ठ है माधवेंद्र पुरीपाल जी ने जो ठाकुर जी की सेवा करी है। जो माधवेंद्र पुरीपाल जी ने ठाकुर जी की कैसे सेवा करी थी, उनको चंदन लगा के सेवा करी थी। तो आज के दिन हमारे लिए ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु है भक्तों के लिए कि हम लोग भी क्या करेंगे, जैसे हमारे गुरुवरों ने ठाकुर जी की सेवा करी है, उनको चंदन लगाया है, तो ये जो उनकी सेवा की वृत्ति है उसको ग्रहण करेंगे कि हम हमारे अंदर भी क्या है ऐसी सेवा की वृत्ति आ सके। क्योंकि गुरु जी एक बात बताते थे कि भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति कहते किसको है? कृष्ण सेवा की जो वासना है वो ही भक्ति और श्रद्धा का मूल है। हमारे हृदय में क्या होनी चाहिए? कृष्ण सेवा की वासना। बोलते हैं ना, अरे ये तो बहुत श्रद्धावान व्यक्ति है, रोज मंदिर जाता है, रोज यहाँ जाता है, रोज तीर्थ में जाता है, बहुत श्रद्धावान है। श्रद्धावान किसको कहते हैं? श्रद्धावान इसको बोलते हैं, कृष्ण सेवा की वासना ही श्रद्धा का मूल है। जो श्रद्धा मूल क्या होती है? कृष्ण सेवा की वासना, कि हमें कृष्ण की क्या करनी है, सेवा करनी है। तो आज के दिन भक्तों को एक अवसर मिलता है, वो अपनी सेवा को वर्धित करते हैं, कैसे? भगवान की सेवा करके। माधवेंद्र पूरी बात हम सुबह भी आज उनके विषय में कथा हुई थी, फिर भी हम थोड़ा संक्षिप्त में फिर से श्रवण करते हैं। माधवेंद्र पूरी पाद जी गोवर्धन में रह के भजन करते थे। क्या भजन करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान का नाम लेते थे। उनके पास उनका कैसा था, उनका अयाचित वृत्ति, कभी भी किसी के पास भिक्षा मांगने जाएंगे नहीं। जैसे अजगर खुद बैठा रहता है वहीं उसके पास खाना पहुंचता है, तो जो इनके पास आ जाएगा उसको ग्रहण करेंगे, और ग्रहण भी क्या करेंगे, केवल दूध ही पान करते थे। तो आज इनके पास भगवान कृष्ण एक गोप बालक का रूप धारण करके इनके पास दूध लेके पहुंचे और बोले, बाबा मेरी मैया यहाँ से जा रही थी और मेरी मैया ने देखा तूने कुछ खाया नहीं है, तो मेरी माता ने दूध भेजा है, इसको गर्म करके पी लेना। इतना बोल के बालक चला गया। और ये बालक कौन थे? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जी थे। अब जब माधवेंद्रपुरी पाजी ने दूध का पान किया, दूध का पान करने के बाद उनको सपने में वही बालक आया जो उनको दूध देके गया था। और उसके बाद बाबा को बोलता है उनका माधवेंद्रपुरी पाजी की उंगली पकड़ के कि बाबा देखो, मुझे यहाँ पे पास में जो ब्राह्मण है मलेच्छों के डर से छुपा के चले गए थे, यही पास में ही मैं छुपा हुआ हूँ, अब आप क्या करो मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। वह कौन थे? श्रीनाथ जी, जो श्रीनाथ जी अभी उदयपुर में है। तो भगवान के सपने में आके इंगित कर देते हैं कि मैं श्रीनाथ जी के रूप में कहाँ पे हूँ, इस टीले के नीचे हूँ, यहाँ पे आके मुझे यहाँ से क्या करो, बाहर निकालो। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सिद्धांत हमें हमारे शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी श्रवण कराते थे कि देखो, शिल माधवेंद्रपुरी पाल जी क्या करते थे, भगवान का नाम, और उनके पास दूध लेके कौन पहुंचे, साक्षात कृष्ण पहुंचे। और वही कृष्ण सपने में आके क्या कह रहे हैं, मैं कहाँ पे हूँ, इस टीले के नीचे हूँ, यहाँ से आके मुझे बाहर निकालो। टीले के नीचे कौन है? श्रीनाथ जी के विग्रह है। तो देखो, तीन चीजें हो गई, भगवान का नाम वो करते हैं, भगवान उनके सामने खुद आए हैं और क्या बोल रहे हैं, विग्रह मेरा कहाँ पे है, विग्रह के रूप में मैं इसके नीचे हूँ। इसका मतलब भगवान का नाम, भगवान और विग्रह, ये तीनों क्या हो गए, एक ही वस्तु हो गए। कभी भी भगवान और भगवान के विग्रह में और भगवान के नाम में कभी भेद नहीं देखना चाहिए, ये तीनों एक ही वस्तु है। समझ में आ रही है? ये तीनों क्या है? एक ही वस्तु है। अभी छोटा सा टेस्ट लेते हैं, देखते हैं किसको समझ में आ रही है। ये बताओ कि जो मंदिर में ठाकुर जी है, ठाकुर जी के जो विग्रह है, उसमें कृष्ण है या नहीं है? सब फेल हो गए। उसमें कृष्ण क्यों होंगे, वो तो स्वयं कृष्ण है ना। नहीं समझ में आई? गुरु जी ने एक बड़ी प्रश्न पूछा था कि जो ठाकुर जी के विग्रह है उसमें कृष्ण है या नहीं है? नहीं, वो स्वयं कृष्ण है। ऐसा नहीं है कि वो मार्बल के विग्रह बनाए हैं फिर उसमें कृष्ण आए, नहीं, वो क्या है, स्वयं स्वयं कृष्ण है। प्रतिमा नहीं तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु ने बोला कि आप प्रतिमा नहीं हो, आप साक्षात कौन हो, ब्रजेंद्र नंदन हो। यद्यपि अभी हम अनर्थ ग्रस्त है, इसलिए हमें क्या नजर आता है, ये पीतल के बने हैं, ये सफेद मार्बल के बने हैं, ये काले मार्बल के बने हैं, ये दारू ब्रह्म लकड़ी के बने हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति अनर्थ ग्रस्त से ऊपर उठ जाता है तब उसको समझ में आती है कि प्रतिमा नहीं, आप क्या हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। तो भगवान, भगवान के विग्रह और भगवान के नाम में कभी भी कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं होता। तो वहां पे फिर माधवेंद्रपुरी पाल जी ने आसपास के स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया, कोई अपने हाथ में फुआड़ा लेके, कोई अनेक ने उजार लेके पहुंचे, और जब वहां से मिट्टी को हटाना शुरू किया तो क्या देखते हैं, नीचे साक्षात ठाकुर जी के विग्रह निकलते हैं। अब यही ठाकुर जी माधवेंद्रपुरी पाल जी को बोलते हैं, माधवेंद्रपुरी पाल जी ने इनका बहुत सेवा किया, रोज अन्नकूट महोत्सव होता था गोवर्धन में, जब इनकी सेवा होती थी आसपास के सारे गांव वाले पहुंच के उनके पास बोलते थे कि आज अन्नकूट का महोत्सव हम करेंगे, आज हम करेंगे। एक एक गांव का नंबर आता था, रोज अन्नकूट का महोत्सव होता था, बहुत बड़े बड़े महोत्सव चले। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ठाकुर जी इनको बोलते हैं कि माधवेंद्रपुरी पाल, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए थोड़ा क्या करो, चंदन लेके आओ। अब जब हमारे जो माधवेंद्रपुरी पाल जी हैं, जब वहां पे वो ठाकुर जी का महोत्सव करते थे रोज गोवर्धन में, रोज अन्नकूट महोत्सव होता था, तो अन्नकूट महोत्सव के लिए 56 भोग के लिए माधवेंद्रपुरी पाल जी ने भिक्षा मांगा, गांव वालों से क्या करा, भिक्षा मांगा। लेकिन अभी हमने पहले श्रवण किया था कि माधवेंद्रपुरी पाल जी कभी किसी से भिक्षा मांगते थे, कभी किसी से भिक्षा मांगते ही नहीं थे, केवल दूध पान करते थे, वो भी कोई दे जाए तो ठीक है, नहीं तो कभी मांगने जाएंगे नहीं। लेकिन अब माधवेंद्रपुरी पाल जी क्या कर रहे हैं, भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, पहले तो करते नहीं थे, ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, यानी कि ठाकुर जी के लिए उन्होंने क्या किया, फिर सब भक्तों से भिक्षा ग्रहण किया। इसके पीछे एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है, इसको समझने की थोड़ा सा हम चेष्टा करेंगे। जब ठाकुर जी जो है सेवा किससे ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी जो है सेवा जो ग्रहण करते हैं केवल अपने प्रणय भक्त,
प्रणय पद का अर्थ है जो भगवान के प्रेमी भक्त है अपने प्रेमी भक्त से ही भगवान सेवा ग्रहण करते हैं, और किसी की सेवा भगवान ग्रहण करेगी नहीं। उनको गर्मी लगी तो उन्होंने किसको बोला? इन्हीं को बोला। इनको छप्पन भोग आना है तो किसको बोला? इन्हीं को बोला। किसको बोला कि मुझे बाहर निकालो टीले से? इन्हीं को बोला। तो भगवान जो है अपनी सेवा केवल अपने प्रणय भक्त से ही, प्रेमी भक्त से ही ग्रहण करेंगे। और जब एक प्रेमी भक्त भगवान की सेवा करता है, उस सेवा के लिए वो जो भी उपकरण हम बस जीवों से ग्रहण करता है, तो उसमें हमारी सेवा क्या होती है? भगवान तक पहुंच जाती है। हम अगर डायरेक्ट भगवान की सेवा करने जाए तो भगवान हमारी सेवा नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन जब ये प्रणय भक्त जो होते हैं, जब ये भगवान की सेवा करते हैं, तो हम जैसे बस जीवों को भी क्या करते हैं? भगवान की ये सेवा में लगाते हैं। हमारे गुरुदेव मथुरा में दीक्षा ग्रहण करते थे। मथुरा में जितने भी आसपास के ब्रजवासी हैं, हर वासी उनके घर जाना और सबसे थोड़ा थोड़ा सीता लेके आना। सीता मतलब जैसे यहाँ पे एकादशी के अगले दिन, द्वादशी के दिन, जितने भी माताएं हैं जिन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया है, सब एक थाली में थोड़ा चावल चीनी आटा सजा के रखती है और मंडे सेवा के लिए देती है। तो जब गुरु जी विदेश प्रचार से वापस आए, द्वादशी का दिन आया और देखा आज कोई भी ब्रह्मचारी मठ से भिक्षा मांगने जा नहीं रहा है। तो गुरु जी बोले तुम भिक्षा मांगने क्यों नहीं जा रहे? सबने बोला कि अनाज तो बहुत सारा भरा हुआ है और अब तो विदेशी लोग आते हैं, तो किसी विदेशी को बोलो तो कोई 100 किलो की 200 किलो वैसे ही दे देता है। अब इनके घर पे जाएंगे तो ये क्या देंगे? एक मुट्ठी भर चावल, एक मुट्ठी भर दाल देंगे। तो गुरु जी बोले नहीं, हम दीक्षा ग्रहण किसलिए करते हैं? ताकि उनकी दी हुई वस्तु हम किसकी सेवा में लगा सके? भगवान की सेवा में। वो तो अपने घर पे बैठे हैं, वो तो भगवान की सेवा करने के लिए बाहर आते नहीं। तो अगर हम उनकी सेवा को भगवान की, उनकी वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएंगे, इससे उनका क्या होगा? इससे उनका सुकृति होगा। तो ये कौन कर सकते हैं? जो प्रणय भक्त है वो हम लोगों से कुछ ना कुछ ग्रहण करके ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। तो अब माधवेंद्रपुरी पाल जी ने वहां पे ठाकुर जी ने जब उनको आदेश दिया कि मेरे को तो बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए चंदन लेके आना पड़ेगा, तो माधवेंद्रपुरी पाल जी उनके आदेश को स्वीकार करके यहाँ से उड़ीसा पैदल गए हैं। क्या लेने के लिए? ठाकुर जी के लिए चंदन लेने के लिए। तो यहाँ पे अब ये यद्यपि आगे भी बहुत कुछ है, कैसे वो कीर्तन गोपीनाथ गोपीनाथ पे रुके, कैसे उन्होंने चंदन लिया, आदि की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम यहीं पे एक शिक्षा ग्रहण करते हैं कि किस प्रकार से जो भक्त है वो भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और जो भगवान है, भक्त भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहता है, और भगवान अपनी सेवा उसको देने के लिए क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं। तो ये हम जितने भी भक्त लोग हैं, भक्ति में आए हैं, हम सिर्फ यही मांगे कि किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा मिल सके। हमको यही हमेशा मांगना है कि हमें भगवान की क्या करनी है? सेवा करनी है। अब प्रभु कृपा करो ए भाती, सर्व त्यजी भजन करो दिन राती। कि ऐसी भगवान आप कृपा करो कि मैं सब कुछ छोड़ के दिन रात आपका क्या करूं? भजन करूं। भजन का मतलब होता है सेवा करो, कि किस प्रकार से हम दिन प्रतिदिन भगवान की सेवा में और वर्धित होते रहे। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हमारे महाराज जी से और प्रभु जी से
बहुत सारी बातों को सुन लिया और विशेष करके दोनों वक्ताओं ने कुछ अधिक बोलने को छोड़ा ही नहीं है, किंतु आज प्रातःकाल किसी ग्रंथ के लिए कुछ कोटेशन ढूंढते हुए मैं चैतन्य चरितामृत को देख रहा था, तो उसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाई, जिसको कभी पूर्व काल में हमारे गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने बहुत ही सुंदर रूप में उन सबकी व्याख्या की थी। आज के दिन आप लोगों ने सुना इस तिथि का महात्म्य, आज अक्षय तृतीया है, सृष्टि का पहला दिवस, भगवान ने अन्न की सृष्टि की, जौ की सृष्टि की, हमारे परम गुरु जी ने गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की, हमारे परम गुरु महाराज जी आज के दिन विशेष करके मायावाद के विषय में बहुत कुछ बातें बतलाया करते थे, बहुत प्रबल रूप में वो मायावाद का खंडन करते थे, किंतु उन सब विषयों को स्पर्श करना उसके लिए बड़ा विस्तृत समय चाहिए। मैं बस थोड़ी सी एक बात जो आज प्रातःकाल मैंने गुरु महाराज जी की सुनी और उसको कुछ एक बातों को जो मैंने लिख लिया, मैं आपके निकट में कुछ दो एक प्यार बस पढ़ भर दूं। हमारे गुरु महाराज जी एक बड़े अच्छे प्रसंग को आज के दिन बतला रहे हैं। आप सब लोग भावना लेकर के आए हैं कि कृष्ण का आज श्रृंगार होगा, कृष्ण को आज चंदन लगाया जाएगा, ठाकुर जी को शीतली भोग अर्पण किया जाएगा, जगन्नाथ जी में आज चंदन यात्रा है, 21 दिन व्यापी चंदन यात्रा आज से आरंभ हुई। इस सब के पीछे एक मूल कारण क्या है? आप लोगों ने माधवेंद्रपुरी पाद जी की सेवा वृत्ति के विषय में भी कुछ बातें सुनी, कि तो हमारे गुरु जी एक बड़े ही अद्भुत प्रसंग को स्पर्श कर रहे हैं। मैं दो एक कुछ उसमें से प्यार बतलाता हूँ। उसको तो सुनने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी कह रहे हैं, विशेष करके हम लोग भगवत दर्शन करने आए हैं, आज भगवान के विग्रह का दर्शन करेंगे। प्रभु जी बतला रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं हो, आप साक्षात कौन हो? आप तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही हो। इसी प्रसंग को गुरु जी ने बड़े सुंदर और भाव भीने शब्दों में बतलाया कि भगवत दर्शन करने की विधि क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, हम लोग आज संध्या के समय में विशेषकर इतनी भीड़ होगी प्रत्येक मंदिर में, हम सभी लोग बड़े उत्साह के साथ में जाएंगे ठाकुर जी का दर्शन करने, कृष्ण के चंदन श्रृंगार का दर्शन करने बड़े उत्साह के साथ में जाएंगे। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं इस बात को कि वास्तव में इसमें सुख किसका है? कृष्ण का चंदन श्रृंगार हुआ, कृष्ण को चंदन लगाया गया, कृष्ण ने अपने भक्तों की सेवा ग्रहण की। जैसे कि महाराज जी ने एक बड़ा संक्षेप में एक बात को कह दिया, मैं नहीं जानता कितने लोग उस बात को समझ पाए होंगे कि क्या भगवान को वास्तव में कोई ताप होता है। नित्यानंद प्रभु जी के विषय में कहा, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया है जगत जुड़ा है। भगवान के चरण तो कैसे कोटि चंद्र के समान सुशीतल है, और जिनकी शीतलता से सारा जगत शीतल हो सकता है, तो भगवान को तो कोई ताप नहीं है। किंतु भगवान भक्तों की सेवा को ग्रहण करने के लिए एक इस प्रकार की भाव भंगिमा दिखलाते हैं। तो हमारे गुरु जी कह रहे हैं, हम लोग ठाकुर जी का दर्शन करने जाएंगे, कृष्ण का दर्शन करने जाएंगे, किंतु कैसी चित्त की वृत्ति होनी चाहिए कृष्ण का दर्शन करने के लिए? हृदय में कैसी व्याकुलता होनी चाहिए कृष्ण का दर्शन करने के लिए? हम कृष्ण का दर्शन करने गए, हमने मंदिर में देखा अमुक मंदिर में बड़ा सुंदर चंदन का श्रृंगार है, दूसरे मंदिर में गए तो हम तुलना करेंगे, इस मंदिर में इतना अच्छा श्रृंगार नहीं है, इससे पहले वाले मंदिर में अधिक अच्छा श्रृंगार था, तो हमारा तो इस तुलना में समय चला जाएगा। हम वास्तव में दर्शन किसका कर रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में गुरु जी बतला रहे हैं। प्रसंग थोड़ा सा गुरुत्वपूर्ण है, इसको यदि आप लोग समझने की चेष्टा करें तब पता चलेगा वास्तव में रूपानुग गुरुवर्गों का विचार वैशिष्ट्य क्या है। रूपानुग गुरुवर्ग किस भावना के साथ में तिथियों को मनाते हैं, या ये तिथियां केवल कौतूहल मात्र है कि तिथि आई है तो कुछ करना होगा, तिथि है तो कृष्ण को चंदन लगा दो, ऐसा नहीं है। इसके भीतर में कुछ विशेष भाव छुपे हुए हैं,
जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने उद्घाटित किया। गुरु जी कहते हैं अपनी कथा में, गुरु जी बतला रहे हैं श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। श्री चैतन्य देव श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। क्या भावना होती थी जगन्नाथ जी का दर्शन करते समय? श्री चैतन्य देव के हृदय में क्या भावना होती थी? हमारे गुरु जी कहते हैं महाप्रभु किस भावना के साथ दर्शन करते थे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के शब्द गुरु जी बतलाते हुए कहते हैं, जे काले देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, तबे जाने आइलाम कुरुक्षेत्रे, सफल होइलो जीवन, देखिलो पद्म लोचन, जुड़ाइलो तनु मन नेत्रे। महाप्रभु दर्शन करने जाते हैं कृष्ण का, और हृदय की भावना क्या है? वो कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, दो भाव से दर्शन करते हैं। कभी तो महाप्रभु को कृष्ण जगन्नाथ देव का दर्शन करते महाप्रभु कृष्ण के रूप में, और जब उनके साथ में बलदेव जी और सुभद्रा जी दिखाई देते हैं तो महाप्रभु के हृदय में क्या भावना आती है कि मैंने कृष्ण का दर्शन किया कुरुक्षेत्र में। जे काले देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, तबे जाने आइलाम कुरुक्षेत्रे, मैं कुरुक्षेत्र में आया। सफल होइलो जीवन, राधा जी के भाव में महाप्रभु निमग्न है, सफल होइलो जीवन, मेरा जीवन सफल हो गया। देखिलो पद्म लोचन, बड़े दिनों के पश्चात, सुदीर्घ विरह के पश्चात मैंने कृष्ण का दर्शन किया। जुड़ाइलो तनु मन नेत्रे, मेरे मन को नेत्रों को बड़ी शीतलता मिल गई। तो हमारे गुरु महाराज जी कह रहे हैं शीतलता हमको मिली या कृष्ण को मिली? कृष्ण का चंदन श्रृंगार हुआ और हम मन में विचार कर रहे हैं कि कृष्ण को शीतलता मिली, हमने कृष्ण को शीतलता दे दी चंदन लगा करके, हमारे मन की भावना क्या? किंतु गुरु जी क्या कह रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय का क्या विचार है? जुड़ाइलो तनु मन नेत्रे, कृष्ण का दर्शन करके सुदीर्घ विरह के पश्चात कृष्ण का दर्शन करके महाप्रभु जो गोपी भाव में आविष्ट हैं, उनके मन में क्या विचार आ रहा है? मेरा मन, मेरे नेत्र, मेरा हृदय अत्यंत शीतलता को प्राप्त हुआ, ऐसी भावना होनी चाहिए। कृष्ण का दर्शन करने जाएंगे, ऐसी हृदय में भावना होनी चाहिए, ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए। जब ऐसी व्याकुलता होगी तब जो ये बता रहे थे ना अभी कि कृष्ण का विग्रह के रूप में दर्शन नहीं होगा, तब कृष्ण का वास्तव में किस रूप में दर्शन होगा? साक्षात श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के रूप में उनका दर्शन होगा। जब हृदय में ऐसी व्याकुलता होगी और ऐसी व्याकुलता के साथ जब महाप्रभु दर्शन करते हैं तो क्या अवस्था होती है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, गरुड़ेर सन्निधाने रही करे दर्शने से आनंदेर की कहिवे बोले, गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले, से खाल भरिलो अश्रु जले। महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं और गुरु जी बता रहे हैं क्या अवस्था हो रही है श्रीमन महाप्रभु की। कहते गरुड़ेर सन्निधाने रही करे दर्शने, गरुड़ स्तंभ के पीछे से महाप्रभु दर्शन करते हैं। श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के आदर्श का अनुसरण करते हुए सदैव गरुड़ जी के स्तंभ के पीछे से ही दर्शन किया करते थे। कभी भी गरुड़ स्तंभ का लंघन करके श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करते थे, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने ऐसा आदर्श दिखलाया। और जब दर्शन कर रहे हैं तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, उस समय में गरुड़ स्तंभ के निकट में एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, गरुड़ेर सन्निधाने रही करे दर्शने, महाप्रभु जी गरुड़ स्तंभ के नीचे निकट में खड़े होकर दर्शन करते जगन्नाथ जी का, और क्या दशा होती है? से आनंदे की कही में बोले, ऐसा आनंद उनके हृदय में होता है कि कविराज गोस्वामी कहते हैं, गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले, से खाल भरिलो अश्रु जले। गरुड़ स्तंभ के नीचे एक गड्ढा हुआ करता था, वो महाप्रभु के नेत्रों से प्रवाहित होने वाले अश्रुओं से पूरा भर जाया करता था। तो हमारे गुरु जी इस प्रसंग को उठाते हुए कहते हैं कि महाप्रभु ऐसी किस वस्तु का दर्शन करते थे, महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में ऐसी किस वस्तु का दर्शन करते थे? और गुरु जी कहते थे कृष्ण का दर्शन करते समय महाप्रभु को ऐसा क्या आनंद हो रहा है जो महाप्रभु की ऐसी दशा हो रही है? महाप्रभु कृष्ण की कैसे रूप माधुरी का, किस अमृत का महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं, किस अमृत का पान कर रहे हैं, जिसकी ऐसी जो ऐसी दशा हो रही है महाप्रभु की? तो गुरु जी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के कुछ बड़े सुंदर बयान बतला रहे थे।
पता नहीं कितने लोगों को ये बात समझ में आएगी, किंतु ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, और ऐसा भी नहीं है कि हम समझ गए हैं, हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे भी यही निवेदन है कि इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब तक इसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक इसके भीतर में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक वास्तव में हमारी दशा ऐसी है, गुरु जी कह रहे, तब तक वास्तव में हमारी दशा ऐसी है कि जैसे हम जमुना जी गए, ये गुरु जी कह रहे कि हम जमुना जी गए, किंतु जमुना जी में स्नान करने के स्थान पर हमने क्या किया, हम एक नौका में चढ़ गए और नौका में चढ़कर जमुना जी में हम भ्रमण करके आ गए, और हमने क्या मन में विचार कर लिया, हमको तो जमुना जी का दर्शन हो गया। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं, हमने केवल ऊपर ऊपर जमुना जी में अवगाहन कर लिया, जमुना जी के भीतर प्रवेश करेंगे, जमुना जी में स्नान करेंगे, उस भावना के साथ स्नान करेंगे, जमुना जी कौन है, प्रातुरंत कस्य पत्तने विपत्ति हारिणी, प्रेक्षयाति पापिनोपि पाप सिंधु तारिणी, नीर माधुरी विरप्य शेष चित्त बंदिनी, माम पुनातु सर्वदार बिंद बंधु नंदिनी, चिदानंद भानो सदानंद सूनो पर प्रेम पात्री, द्रव भ्रम गात्री, अगानाम लवित्री, जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रिया नो बपुर मित्र पुत्री। ऐसी ऐसी जो महिमा है जमुना जी की, जब उस महिमा को हृदय में धारण करके उसमें प्रवेश करेंगे, तब पता चलेगा जमुना जी है क्या वास्तव में। तो केवल नौका में चढ़कर जमुना जी में चले गए और मन में विचार कर दिया कि हमको स्वीकृति मिल गई बहुत सारी, तो गुरु जी कहते ये केवल क्या है, ये केवल अपने हृदय से मन केला खा लेना, ये गुरु जी के शब्द मन केला खा लेना, इसलिए हमको उसके भीतर में प्रवेश करना पड़ेगा। तो हम भी कृष्ण दर्शन करने जाएंगे महाप्रभु जी के निकट में, जैसा कि प्रभु जी बतला रहे थे ना, प्रार्थना करेंगे, आप जिस भाव का आस्वादन कर रहे हो उस भाव का छीटा फूटा कुछ हमको भी दे दीजिए। और केवल ये मांगने से नहीं मिलेगा, इसके लिए हृदय में बड़ी तीव्र व्याकुलता होनी चाहिए, इसके लिए चेष्टा होनी चाहिए, साधन होना चाहिए, भजन होना चाहिए, तब महाप्रभु के हृदय का जो भाव है वो कुछ हमारे हृदय में आएगा। तो गुरु जी कहते हैं क्या दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु, किस वस्तु का दर्शन कर रहे हैं, हम जाकर क्या दर्शन करेंगे, ऐसा चूड़ा बना दिया जगन्नाथ कृष्ण का, ऐसा चंदन का श्रृंगार कर दिया, हम ये सब कुछ दर्शन करेंगे, किंतु उसके भीतर में कृष्ण रूप के दर्शन का, कृष्ण के श्रवण का, कृष्ण की बांसुरी का जो अमृत है उसका महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं, वो आस्वादन तो हमको होता नहीं। तो हमारा कृष्ण दर्शन क्या वास्तव में कृष्ण दर्शन हुआ, हमारा कृष्ण दर्शन वास्तव में कृष्ण दर्शन हुआ, तो हमको भी वैसा दर्शन करना पड़ेगा जैसा महाप्रभु करते हैं। तो गुरु जी कहते हैं महाप्रभु क्या दर्शन कर रहे हैं कृष्ण का, कैसा अद्भुत महाप्रभु का आस्वादन हो रहा है, किस अमृत का महाप्रभु पान कर रहे हैं, हमको कब वो पान करने को मिलेगा, हमको कृष्ण की कब ऐसी रूप माधुरी का, वेणु माधुरी का, कृष्ण के उस अधरामृत का, ये गुरु जी के शब्द है और बड़ी उन्नत स्तर की बातें हैं। कुछ लोग ऐसा भी विचार कर सकते हैं, हम अनंत ग्रस्त जीव है और हमको अनर्थ ग्रस्त होने पर इतनी उन्नत कामना नहीं करनी चाहिए, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कतई नहीं है, हम अनर्थ ग्रस्त जीव हैं, अवश्य ही हम अनर्थ ग्रस्त जीव हैं, हम अनर्थों को दूर करने के लिए साधन भी कर रहे हैं, किंतु हमारे गुरु महाराज जिस बात को कह रहे हैं कि हमारे हृदय में लोभ अवश्य होना चाहिए, यदि हमारे हृदय में लोभ नहीं है तो ये गुरु जी कह रहे हैं हमारा साधन शिथिल हो जाएगा, इसलिए हमको जानना चाहिए, हमको समझना चाहिए तथ्यों को। केवल ये कहकर के कि हम अनर्थ ग्रस्त जीव हैं, इतनी उन्नत स्तर की बात करके क्या मिलेगा, तो गुरु जी कहते नहीं ऐसा नहीं है, यदि हम जानेंगे ही नहीं तब हमारे हृदय में लोभ भी कैसे जागृत होगा, और लोभ जब जागृत होगा तभी साधन करेंगे ना उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, नहीं तो साधन किस वस्तु के लिए कर रहे हो, ये गुरु जी कह रहे हैं। तो इसलिए हृदय में कुछ लोभ भी होना चाहिए, इसलिए इन सब बातों की जानकारी भी रखना उचित है, किंतु अधिकार का निर्णय करके, ये भी गुरु जी ने बात कही, अधिकार का निर्णय करके, ऐसा नहीं कि अनाधिकार चेष्टा करने जाओ। तो इसलिए जब महाप्रभु दर्शन करते हैं तो गुरु महाराज जी बता रहे कैसी उनकी स्थिति है, मैं एक प्यार बता दूं क्योंकि समय हो गया बहुत। तो गुरु महाराज जी कहते हैं महाप्रभु को जिस वस्तु का दर्शन हो रहा है वो क्या है, वो कहते हैं वंशी गाना मृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान, जे ना देखे से चांद बदल, से नयन किवा काज पड़ो तार मुंडे बाज, से नयन रहे की कारण। महाप्रभु को ऐसा दर्शन हो रहा है वंशी गाना मृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान, जब महाप्रभु कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं उनको क्या दर्शन हो रहा है, वंशी गाना मृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान, कृष्ण का मुख चंद्र कैसा है, साक्षात जैसे अमृत, कृष्ण के मुख से जैसे साक्षात अमृत निकल रहा है, कृष्ण के मुख से जैसे साक्षात अमृत प्रकट हो रहा है, वंशी गाना मृत स्थान लावण्यामृत जन्म स्थान, जेना देखे से चांद बदन। और जिनको कृष्ण के ऐसे मुख का दर्शन नहीं होता,
से नयन किवा काज बड़ उतार मुंदे बाद से नयन रहे की कारण है। ऐसे नेत्रों पर तो वज्र पड़ जाए जिनको कृष्ण के ऐसे रूप लावण्य का दर्शन नहीं होता। तो ये कविराज गोस्वामी जी ने एक और जहां और कृष्ण की, अभी ये तो केवल मुख कमल का वर्णन है, फिर कृष्ण की वेणु माधुरी का, कृष्ण के अधरामृत का, कृष्ण की वंशी का बड़ा अद्भुत बड़ा रसिक कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। तो इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं हमको भी केवल इससे संतुष्ट नहीं हो जाना कि हम लोग आ गए, कृष्ण का दर्शन कर लिया, अच्छा श्रृंगार हुआ, कृष्ण हमको बड़े अच्छे लगे। तो गुरु जी कहते सब चंदन हटा दो, कृष्ण के वस्त्र भी हटा दो, तो कृष्ण का श्रृंगार हमको अच्छा लगेगा। हमको वास्तव में अच्छा क्या लगता है, हमको वास्तव में अच्छा क्या लगता है, हमको तो श्रृंगार अच्छा लगता है। किंतु गुरु जी कह रहे हमको ऐसे नेत्र अर्जित करने पड़ेंगे जो कृष्ण के उस रूप माधुरी का दर्शन कर सके वास्तव में, जो दर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। जिस दिन हमारा ऐसे नेत्र हमको मिल जाएंगे उस दिन वास्तव में क्या होगा, हमारा वास्तविक विग्रह दर्शन हमारा होगा। तो इसलिए इस विषय में तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बड़े अद्भुत रस का वर्णन किया है। हमारी श्री गुरु चरणों में प्रार्थना है कभी हम भी अपने अनर्थों से निकलकर श्रीमन महाप्रभु के उन भावों का यत्किंचित भी यदि अपने साधन काल में यत्किंचित भी कुछ अनुसंधान अपने हृदय में कर सके तो हमारा वास्तव में जीवन सफल हो जाएगा। गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। अभी प्रसाद तैयारी हो गया, अभी यहाँ सब लाइन करके बैठ जाओ। मुझे लगता है एक साथ में सभी बैठ नहीं सकते, इसलिए पहले बैठेंगे उधर भी बैठेंगे बीच में भी बैठेंगे, तभी भी एक प्यार बनना कठिन है मैं सकता है। इसलिए कुछ भक्त लोग ऊपर में चले जाए, फिर एक प्यार बाद में फिर दूसरा बैठ, ठीक है। इसलिए अब लोग यहाँ पर लाइन करके बैठ जाए, ठीक है। हाँ, जितने प्रभु जी कह रहे जितने युवा, जितने युवा बच्चे हैं अब नेक्स्ट क्लास में बैठ जाना, पहले माताएं और बुजुर्ग जितने पहले उनको प्रसाद खिला दो, उसके बाद में जितने यह रिश्तेदार है फिर सेकेंड क्लास हमारे साथ में आप प्रसाद पाए, ठीक है। इसलिए हम लोग थोड़ी सी जो युवा बच्चे से ऊपर चले जाओ और यहाँ पर लाइन करके बैठ दो, बैठ दो तो इसको उठा दो यहाँ और इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। महाप्रसाद की जय।